डिजिटल मार्केटिंग की एक और वीडियो में खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप को कि अगर आप 2024 में अच्छे डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स को आपको सीखना चाहिए या कौन कौन से टूल्स हैं जिनके आपको ग्रिप हासिल करने चाहिए और इसकी बुनियाद पर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन के लोगों के बिजनेस को अच्छी तरह से डिजिटलाइज कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में क्लियर की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बिलाल हसन। आई एम डिजिटल मार्केटर एट टैम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप इन 2024? तो डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप में सबसे पहले सबसे मजबूत पावरफुल प्लेटफॉर्म आप मेटा मार्केटिंग सीखें, जिसमें आपकी फेसबुक, आपकी इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप आ जाता है। अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेटा मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, जिसमें आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और व्हाट्सएप बिजनेस की मार्केटिंग का पता होना चाहिए। किस तरह आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए अपनी ऑडियंस को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। और ये वो स्किल है जिसकी बेस के ऊपर आप इंटरनेशनल, नेशनल और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी मेटा मार्केटिंग इन डिमांड स्किल है और ये फ्यूचर भी इसका बहुत ज़्यादा सिक्योर है। नंबर दो पे आती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग में सेकंड पावरफुल जो सोशल मीडिया साइट है, गूगल एड्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इनरोल करना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं तो आपको मेटा एड्स के अलावा गूगल एड्स का भी पता होना चाहिए। गूगल एड्स के ऊपर आपको कंपेन चलानी आनी चाहिए। आप इस तरह लोगों के प्रोडक्ट्स को, बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और ये सारे का सारा काम गूगल कंपेन के जरिए किया जाता है और ये इसका सारे का सारे सिनेरियो पीछे गूगल एड्स के जरिए किया जाता है। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन अगर आप इस पर ग्रिप हासिल कर लें तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन आती है, यानी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लेते हैं तो तब भी आपका क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है कि इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट भी बनानी आती है। ये डिजिटल मार्केटिंग में अच्छी खासी फेसबुक मार्केटिंग भी कर लेता है और आप इसमें गूगल मार्केटिंग भी कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके लोगों को दे सकते हैं और अपने लिए भी खुद से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं।